अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बैंक के एटीएम से बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना बैंक प्रबंधन ने थाने पर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। थाने के एसआई कुंभाराम ने बताया कि शास्त्री नगर रोड स्थित फेडरल बैंक प्रतिनिधि मानस कुमार द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके बैंक के एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने कीमती बैटरियां चोरी कर फरार हो गए, जिसके चलते एटीएम को भी नुकसान हुआ है। इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी जांचे जाएंगे, जिससे कि बदमाशों की पहचान की जा सके। गनीमत रही कि इस दौरान बदमाशों ने एटीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल बैटरी ही चुरा कर फरार हुए। फिलहाल इस संबंध में पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दिनांक 30/7/2023 को परिवादी श्री मनस वैष्णव पीओ है फेडरल बैंक होटल अजमेर ग्रांड के पास में बैंक स्थित है। वहाँ उसने बताया है कि भाई दिनांक 29 की रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उनके एटीएम में से 6 बैटरी रात को 10-11 बजे चोरी करके ले गए हैं, जिनके खिलाफ धारा 457-380 में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। लगभग क्या लागत, कितनी बैटरियां थी? लागत आज उनको बिल वगैरह देने के लिए नोटिस दिया जाएगा, बिल प्राप्त किए जाएंगे, उसके आधार पे लागत बैटरियों की कीमत कितनी है इसके बारे में आकलन किया जाएगा। ये एटीएम लोहागल रोड पे है, अपने सावित्री चौराहे से आगे चलते हैं तो होटल कोर्टयार्ड से पहले होटल अजमेर ग्रांड है, उसके नीचे ये बैंक और इसका एटीएम स्थित है। सर, एटीएम पे सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए होते हैं? सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, कल छुट्टी की वजह से सीसीटीवी कैमरे नहीं देख पाए, अभी कैमरे देखे जाएंगे और आगे अनुसंधान किया जाएगा। 29/7/2023 की रात्रि को ये घटना होना बताया है। किन धाराओं में? 457-380 में मुकदमा दर्ज किया गया है और तलाश माल मुलजिम जारी है।